Hello friends, welcome to iExamBee. I'm Sataakshi and I'm your English faculty at iExamBee. And in this video, we will discuss something very important, and that is 100 rules of grammar. Now, these rules will be very, very important for you if you're appearing for any exam, be it government or private or SSC or banking. And these rules will be essential for you while solving error detection questions particularly. Right? So, ab rules dekhte hain. तो आप फर्स्ट रूल पर आते हैं. ये रूल कहता है द वर्ड्स ईच एवरी आइदर एंड नाइदर यूज एज प्रोनाउंस और एज एडजेक्टिव्स, है ना, हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर वर्ब्स को यूज करते हैं. ठीक है, तो मतलब अगर कंसाइज फॉर्म में बोलें ईच एवरी आइदर नाइदर, जब भी ये प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स की तरह यूज होंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. राइट, जैसे कि अगर हम बोलें ईच एम्प्लॉई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर clearing his desk in the evening, ठीक है, तो इसीलिए आप बोलोगे each employee is responsible, ठीक है. Neither boy is eligible, neither जैसे आ गया, आपको पता है वो subject है, वैसे ही आप उसके साथ verb जो है वो is लगाएंगे, ठीक है. Next rule देखते हैं, कह रहा है कि अगर कोई parenthetical each, अगर each है वो एक extra है, extra चीज carry कर रहा है अपने साथ, parenthetical each है, तो और उससे पहले plural noun या pronoun आता है, तो verb हमेशा ही plural रहेगा. यानी कि जैसे हम बोलें they each, ठीक है, the members each feel their responsibility, ठीक है, they each have their own problems, ठीक है. यहाँ पे each से पहले आप अगर देखें तो आ चुका है plural pronoun, ठीक है, ये plural pronoun, ये plural noun, है ना, तो इसीलिए आप जो है verb use करेंगे वो plural use करेंगे, right? And same with pronoun as well. आप जो pronoun भी use करेंगे, जैसे their आपने किया, ये their रहेगा, his नहीं रहेगा, ठीक है. Next कह रहा है 10 each of these books. एक और example, 10 each of these books are required. Are is the verb, ठीक है. अगला rule आपको कह रहा है the titles of books or magazines are considered singular and always will take singular verbs, ठीक है. तो जैसे कि the Hindustan Times still has wide circulation, ठीक है. फिर the two faces of Indira Gandhi is a bestseller, because ये पूरा जो नाम है ये बुक का है ना, टू फेसेस नहीं है जो कि बेस्ट सेलर है. द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी ये बुक है, वो बेस्ट सेलर है, ठीक है, इसलिए उसके साथ इज आएगा. नेक्स्ट देखेंगे हम रूल. ये रूल कह रहा है कि जो ये वर्ड्स नीचे स्क्रीन पर लिखे हैं, जैसे एनी बडी, एवरी बडी, नो बडी, सम बडी, ऐसे ही थिंक के साथ एनी, एवरी, नो, सम, ऐसे ही वन के साथ एनी, एवरी, नो, सम, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. जैसे समथिंग इज रॉन्ग विद हिम दीज डेज, ठीक है, और एवरी बडी इन द ऑफिस हैज टिकट्स, ओके, तो इसीलिए इसके साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, राइट. अगला रूल कहता है कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिख रहा है, आफ्टर सच वर्ड्स एज ऑल, सेम, एनी, नन, ओनली, अलोन, नथिंग, और जितने भी सुपरलेटिव्स हैं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वो उनकी जगह जब हम उनको वापस रेफर करते हैं तो हमेशा दैट आता है, हु या विच नहीं आता है, ठीक है. जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ही इज द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, ऑलराइट. आप नेक्स्ट देखें तो जब भी वन जो है, ओ एन ई वन, जब भी ये वर्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो हमेशा आप उसके साथ वंस यूज करेंगे, हिज या हर या हिम नहीं यूज करेंगे जब भी हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो, ठीक है. जैसे कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसका प्रॉमिस, वन का प्रॉमिस रखना चाहिए, ही शुड कीप हिज प्रॉमिस, बट वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है. ऐसे ही वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है, तो ये याद रखना है, एरर नहीं करना है. नेक्स्ट कह रहा है इफ एनी वन, एनी बडी, ईच वन, एवरी वन, सम वन यूज हो सकता, हो रहा है, तो उसके साथ आप वन नहीं यूज करोगे, हिज या हर यूज करेंगे, ठीक है. जैसे कि अगर हम बोले एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ हिज, या आप लिख सकते हो हर हेल्थ, ठीक है. ऐसे ही एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ हर या हिज ड्रेस, ठीक है, तो आप एवरी वन के साथ या ईच वन के साथ, एनी बडी के साथ हिज या हर लगा सकते हैं, ठीक है. वहां वन नहीं लगाएंगे, वन आप लगाएंगे जब वन अलोन है ना, तब,
ओके। नेक्स्ट रूल कहता है कि ईच अदर को आप तब यूज करेंगे जब आप दो लोगों की बात कर रहे हैं, वन अनदर को आप तब यूज करेंगे जब आप मोर देन टू पीपल की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे कि द टू चिल्ड्रन क्वारल्ड विद ईच अदर, हमें पता है कि दो हैं तो इसीलिए विद ईच अदर आएगा, राइट। गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद वन अनदर, क्योंकि हमें पता है गुड बॉयज यहाँ पे लिमिटेड टू टू नहीं है, है ना। अब अगर बात आई अजम्पशन की कि भाई लिखा तो नहीं है कि केवल टू है, तो जहां पे सर्टेन होगा, अगर हमारे हैंड्स की बात हो रही है, वी नो कि हमारे दो ही हाथ हैं, तो ईच अदर यूज होगा, है ना। और अगर दो से ज्यादा फिंगर्स की बात हो रही है तो वन अनदर यूज हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको यूसेज करना है। और ऑल्सो अगर हम हैंडशेक की बात कर रहे हैं, है ना, सो हैंडशेक हमेशा दो हाथों में होता है, राइट, तो उसके साथ भी हम ईच अदर यूज करते हैं, राइट। आई ग्लांस एक्सचेंज करनी है, अगर लुक्स एक्सचेंज करनी है ना, तो वो भी किसके साथ होगा, ईच अदर के साथ, क्योंकि एक बार में आप एक ही इंसान को देखोगे और वो ही इंसान आपको देखेगा, राइट। तो इसलिए ईच अदर के साथ ही लुक्स एक्सचेंज होती है। तो थोड़ा सा वहां पे कॉमन सेंस भी अप्लाई कर फिर डिसाइड करना है कि यहाँ पे दो लोग या थिंग्स प्ले में आ रहे हैं कि मोर देन दैट, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी आप आइदर नाइदर यूज करते हैं, हमेशा उसको एक के साथ, वन आउट ऑफ टू पर्सन के साथ यूज करना है। तो मतलब जब भी दो लोगों की बात हो रही है, आइदर नाइदर यूज होगा। जब भी दो से ज्यादा लोगों में से एक की बात होगी, उसमें आप यूज करेंगे एनी या नन, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो आइदर ऑफ यू टू कैन पे फॉर इट, मतलब दो की बात हो रही है, आप दोनों में से कोई एक, है ना। None of the students of this class has passed, ठीक है, तो मतलब बहुतों में से कोई भी नहीं, ठीक है, तब आप none use करेंगे, ठीक है। Next rule आपका कहता है, जब भी आप दो लोगों की बात करते हैं, तब आप comparative form use करते हैं, और जब दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, तब आप superlative form use करते हैं, right? जैसे कि राकेश is taller ऑफ द टू, है ना, दो है तो इसलिए आप टॉलर बोलेंगे, टॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। पर अगर आपको देखना है कि दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और उसमें आपको बताना है कि लंबा कौन है, सबसे लंबा, तब आप टॉलेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑफ द टू पोजिशन ओपन यू हैव चोजन द मोर प्रोमिसिंग वन, है ना, तो मतलब कि दोनों ही प्रॉमिसिंग थे, पर ज्यादा वाली जो थी वो आपने चूज कर ली, तो दो ही ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर लिखा होता ऑफ ऑल द पोजिशंस ओपन, टू की जगह यहाँ पे ऑल होता, तब यहाँ पे आ सकता था यू हैव चोजन द मोस्ट प्रॉमिसिंग वन, है ना, तो तब वहां पे मोर ना आकर मोस्ट आता। तो ये हमारे इसके साथ 30 रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के जो पार्ट्स आएंगे उसमें और भी रूल्स हैं, बाकी की वीडियोस भी देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और रेट कीजिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आप हमारी ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं।